प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज की कक्षा में मैं उपस्थित हूँ गुरु और चेला कविता का प्रश्नोत्तर भाग 4 के साथ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम अलग तरह से के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को एवं उनके उत्तरों को। अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी? थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। उत्तर, थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली, बरसता था पानी चमकती थी बिजली, गरजते थे बादल दमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। आइए अब जानते हैं हम क्या होता यदि, क्या होता यदि के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को एवं उनके उत्तरों को। प्रश्न संख्या 1, मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती, यानी यदि मंत्री के गर्दन फंदे के बराबर होती तो क्या होता? उत्तर इस प्रकार है, यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती तो मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। अब प्रश्न संख्या 2, राजा गुरुजी की बातों में ना आता, यानी यदि राजा गुरुजी की बातों में ना आता तो क्या होता? उत्तर, राजा गुरुजी की बातों में ना आता तो चेले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। अब प्रश्न 3, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज किस किस को बुलाते, आगे क्या होता? उत्तर, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज कारीगर, भिश्ती और मशक वाले को बुलाते, फिर शायद वह इन सबको फांसी की सजा देने का आदेश दे देते। ऐसा क्यों होता ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि राजा अनबोझ थे। अब शब्दों की छानबीन, आइए जानते हैं हम शब्दों की छानबीन के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को एवं उनके उत्तरों को। प्रश्न 1, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं यह भी बताओ। क, न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में। ख, गुरु ने कहा तेज ग्वालन न भगड़ी। ग, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। घ, ये गलती न मेरी यह गलती बिरानी। अंग, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। उत्तर इस प्रकार लिखा है मैंने कि आजकल इन शब्दों को कैसे लिखते हैं। तो क्षण को लिखते हैं क्षण, भग को भाग, घनी को मजबूत, बिरानी को पराई और मुहूर्त को मुहूर्त। अब प्रश्न संख्या 2, चमाचम थे सड़कें, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है, नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में ये शब्द भरो। शब्द इस प्रकार है, पटापट चकाचक फटाफट चटाचट चटपट झकाझक और खटाखट। ये खाली स्थान था जिसे मैंने भर दिया है। आंधी के कारण पेड़ से डैश फल गिर रहे हैं, तो इसे मैंने पटापट से भरा है कि आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हंसा अपना सारा काम डैश कर लेती है, तो हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। अब आज रहमान ने डैश सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना है, तो आज रहमान ने चकाचक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना है। अब उस भुखर ने डैश सारे लड्डू खा डाले, तो उस भुखर ने चटाचट सारे लड्डू खा डाले। अब अंत में सारे बर्तन धुलकर डैश हो गए, तो सारे बर्तन धुलकर झकाझक हो गए। बच्चों इस प्रकार आज हमने पाठ 12 गुरु और चेला को प्रश्नोत्तर सहित समाप्त किया। धन्यवाद बच्चों।